ठंडे ठंडे मौसम में स्वादिष्ट खाना एकदम ही मिक्स दाल घर्रिया दाल एकदम। ये देखिए खाना तो बढ़िया दिख रहा है। प्याज दिया भैया, थैंक यू। आइए तब बल आगे शुरू करते हैं। कल तक आपने देखा क्या कि हम गांव जा रखे थे हैं? तब हमने गांव में जाके बीच रास्ते में कहीं पराठे भी खाए, फिर गांव में पहुंचे, फिर वहां गाना गाया। और उसके बाद दिखाया नाटक। का जरा सबर कर है? बताता हूँ, जल्दी का काम शैतान का होता है, बता रहा हूँ। अब हम चलेंगे अपने अगले नाटक की ओर, जो कि दूसरे गांव में। इसका मतलब है अब आगे। चलो आ जाओ, हम अपने अगले गांव में पहुंच चुके हैं। इसका नाम है, इस गांव का नाम क्या है? सेंज तो है, बट कर दे बू भाई। हां समझ गया। और सामने हिमालय नजर आ रहा है। तुम का खाना? हम कोटद्वार बटे हैं। जो कोटद्वार बटे ना? हां। अच्छा, कब से कोटद्वार? कोटद्वार मेयर का खरे करते हैं ना गांव वाले। हां अच्छा, तुम का का छा कोटद्वार या मेयर कोई नहीं? वैसे अग्नि आजा, पहले नीचे आजा। ये देखो, ये पतंजलि के बागान है। यहाँ पर यही सब चीजें होती है। यहाँ पर ये लोग औषधि वगैरह निकाल रहे हैं पेड़ों से। ये पेड़ भी, ये सारा एरिया पतंजलि का है। हम नाटक शुरू करने वाले, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक ढंग से। ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिलता रहा। इस तरह से जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, उनको बराबर बीच बीच में हम लोग लोगों के बीच में आके और घर घर जाके गांव गांव जाके बताते हैं। अरे जान हलक में आ बैठी है तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। थोड़ा सबर कर लिया कर यार, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, बता रहा हूँ मैं तेरे को। क्यों भाई, अगर शैतान आ जाए तो मजा आएगा, है ना? सही बात है। बच्चों तक कखन बड़ा हमन, दुई जवान बच्चा छिन मार खा। अच्छा भाभी जी, दोनों लड़के हैं या वो लड़की भी है कोई? अरे प्राइवेट अस्पताल में जाओ और खून की जांच कराने तो प्राइवेट चलो में बोतल निकाल देते हैं वो, है? हाँ। अब दवाई होगा तो पूछे मत भैया, अगर चलेगा तो बस। इतना लंबा पर्चा इसके बुआ ने दे रखे मेरे पैसे। हाँ अरे मेरे पैर में मार तू ना, उसे पैर की दवाई कर दी। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। मेरे भैया बताएंगे। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, आपको जब हम बात बता रहे तभी फोन आ गया आपका भी। कोई बात नहीं, चलो है? कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांच एकदम मुफ्त है, ओपीडी हो, और यहाँ तक कि रात 12 बजे के बाद भी अगर तुमने ये पैथोलॉजी जांच कराई और कुछ खुदा ना खासा निकल गया तो डॉक्टरी जांच में भी बिल्कुल देरी नहीं होती। मतलब मेरी सांस फूल रही है तो मतलब इसका भी इलाज हो जाएगा बट हो जाएगी मेरी, बिल्कुल हो जाएगी। 12 बजे भी वाइफ क्या है उपलब्ध करवा रही है। अच्छा ठीक है, उसमें है काजू, किशमिश, बादाम, तौलिया, ब्लैंकेट, कंबल। हाँ कंबल। और कोविड काल के दौरान जब स्कूलें बंद हो गई थी तो सरकार ने जो 10वीं और 12वीं की जो कक्षा थी, मैंने नहीं देना, वो अपनी बेटी का वो फोन है पिस्टी लगा के और गुप्पन रखा के कमरे में, और वहाँ क्या करते हैं रील बना रहा है कौन से गेम और रील वाला एप्लीकेशन क्या है उन फोनों में नहीं है, सिर्फ को फोन पढ़ने के लिए यूज हो सकता है बस। उस टैबलेट में वो नहीं आएगा, वो क्रीम पाउडर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन लेकिन ये जो लेकिन आजकल जो क्रीम पाउडर रील बनाते हैं ना ये लोग, ये भी उससे कमा रहे हैं। तो पढ़ाई अलग है और उसके अलावा गेम खेलना और रील बनाना भी अलग है, कुछ लोग उससे भी कमा रहे हैं। अब ये बालक है, बस मेरी बात मत करो, ये बालक है। अगर ये सड़कें आएंगी, रेल आएगी तो पर्यटक क्या होगा और
बढ़ेगा ऑल वेदर रोड होगी, जब रोजगार बढ़ेगा तो क्या पर्यटन बढ़ेगा तो क्या होगा? बताओ गाना सुनना है आपको, नाटक कैसा लगा आपको? अच्छा था, सुना भाई संदीप, देशभक्ति गाना सुनो, बता दो, सुना भाई देशभक्ति गाना, दिल दिया है जहाँ भी देंगे हैं, चलो तब चलो धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक लगा तुमसे गाना, और कोई आप बिगाड़ दो गाना, आप बिगाते हो गाना तो गा दो साथ में, पक्की बात, चलो ये बताओ आपको नाटक कैसा लगा? बढ़िया मजा आ गया, थोड़ी जानकारी भी मिली आपको, आप बताओ क्या कह रहे हैं? कल परसों में है, एक दिन भी है, हाँ जब दोबारा नाटक हाल तो दोबारा बोला हूँ, जरा जरा कभी कभार ये भी आते ठीक आप लोग मंथली सैलरी वाला सिस्टम वाला है ना, हाँ। चलो बढ़िया ठीक है, रोजगार तो खुनो उत्तराखंड में, ये भाई जब फोन पर लोग छोड़ दे ना, हां ना सही तो काम तो बहुत बढ़िया है ना, जरा भाई ये हां ये रोजगार तो है कम से कम, कम से कम रुकना तो बहाना चेक है, बस और खेत जो साल भी तक तक पूरे ये प्रोजेक्ट बाबा राम ये तो है तुम, चलो तब अगली बार आएंगे हम, हैं आएंगे तो पहले बोल देंगे कि रोटी वोटी रखना हमारे लिए, हां ना पर कोई बात नहीं, अगली बार हम पहली बता देंगे ना, तो हम योजना ले आते यार, ठीक है तब लागत हो हमें, चलो तब है टाटा तुम्हें, बाय 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 बाय। ऐसे लोगों को मिलके मुझे लगता है कि यार और ज्यादा आम भाषा का प्रयोग किया जाए अपने व्लॉग्स में, ताकि उन लोगों को, ये ऐसे लोग बहुत हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, बहुत ज़्यादा हिंदी भी बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, तो हिंदी भी बहुत आम भाषा जो काफ़ी लोगों के समझ में आए। अरे देर कह रहे तुम्हें, हाँ सर नाटक कह रहे हो, मतलब लंच करना खंड जाए तुम, चलो ठीक से है, घर से देख रहे थे आप, बढ़िया करा हमने नाटक देख, चलो तब फिर वाला दोबारा टाटा, ठीक है टाटा बाय 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 बाय, हाँ हाँ छुट्टी दिन वाला ठीक छ, हाँ फोटो की जाने, चलो मैं आ गया जरा दो मिनट में, मैं भी कोर्ट आ रही थी, हैं खींचे ओके, हाँ तो हमने अभी दूसरा नुक्कड़ निपटाया अपना, और अब हम दियुली गांव में हैं, यहाँ पर खाएंगे खाना, तो ये दियुली गांव है, सामने वादियाँ हैं, ये रास्ता है हमारा, रूट है, हम इस ढाबे पे आए हैं यहाँ पर, बॉडी मिल तो चुटान थे एक बटे, तो इस ढाबे पे हम लोग आए हैं, यहाँ पर है राजमा चावल की सुविधा, और एक सब्जी उन्होंने बोला है कि आप जो बोलो वो बना देंगे, पहले हरी भुज्जी जिसको बोलते हैं ठुंगार, ठुंगार दाल चावल के साथ एक चीज़ जो खाने वाली होती है, कुछ भी टेस्ट एनहेंस करने के लिए उसको कहते हैं ठुंगार, ये कौन हरी भुज्जी बना दो, काहे की पालक, ठीक है ठीक, वो दीदी जो है उन्होंने भी पूछा कि पहले मैं देख के आती हूँ कौन सी सब्जी है यहाँ पर जो जल्दी बन जाए तुम्हारे लिए, ठंडे ठंडे मौसम में स्वादिष्ट खाना एकदम, वो भी मिक्स दाल, घर्रिया दाल एकदम, ये देखिए क्या बात है, आहा मैं तो हाथ से खाऊंगा भाई, तो बढ़िया दिख रहा है, प्याज दिया भैया, थैंक यू, बढ़िया बना, उन्होंने बनाया बहुत टेस्टी,
अच्छा बनाया खाना आपने, टेस्टी बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। आप ही चलाते हो वाला रेस्टोरेंट? अच्छा नहीं नहीं नहीं, उनके हस्बैंड जो है यहीं पास में स्कूल में पढ़ाते हैं मैथ्स और साइंस, अब वो यहाँ पर रेस्टोरेंट चलाती हैं। ये मजदूर हैं जो बहुत ही मेहनत करने के बाद खाना खा रहे हैं। मजदूर दाढ़ी कटा के चिमकांडा लग रहे हो। थैंक्स। बिल्कुल घर जैसा रसीला खाना एकदम। परीक्षित, अरे ओ अशिक्षित, एक लेज भी दे दो, ऑरेंज वाला। और खाना आपने बिल्कुल घर जैसा बना रखा, ऐसी बनता है हमारे यहाँ भी। धन्यवाद है, ठीक भाई। मेरे कार्ड में स्टोरेज भी नहीं रह गई, मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, आ जाओ। तो भाई बहुत सुंदर साधारण देवली गांव में हमने भोजन किया। हम व्लॉग को यहीं पर अंत करते हैं, मतलब और क्या कुछ कहना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप बने रहिए प्रियंका आर्य चैनल पर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ रोज व्लॉग आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए। ओके चलो चलो, भाग के गाड़ी में घुस जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी भागो। मेरी जुत्ती निकल गई।